मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर गुड चलो जी चलो चलो तो अब हम आज के क्लास का बेसिक ऑफ फाइनेंस का लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग लास्ट में क्यों कवर किया उसकी वजह समझो क्योंकि इसके जस्ट बाद वो स्टार्ट होने वाला है डेरिवेटिव derivative और डेरिवेटिव्स में कंपाउंडिंग का बड़ा यूज है और ऐसा नहीं कि भी डेरिवेटिव में फॉरेक्स में भी है तो ये दोनों पहले चैप्टर इसमें तो है ही तो लिखोगे पॉइंट नंबर टेन एंड द लास्ट पॉइंट क्लास खत्म करेंगे आज और कल से आराम से आप डेरिवेटिव स्टार्ट करोगे पॉइंट नंबर टेन दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ उंड आपको यह टॉपिक करवाना है मुझे कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग सर यह है क्या कुछ नहीं मिलते वो कंपाउंडेड सेमी एनुअली कंपाउंडेड क्वार्टरली जो आपने पढ़ा हुआ है कहाँ पढ़ा है सीए इंटर में तो नहीं पर सीए फाउंडेशन में पढ़ा होगा Uh, पर उससे पहले स्टार्ट करवाना है सर हमको आता है तो हम छोड़ सकते हैं कि बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता ये टॉपिक छोड़ने का आपको यहाँ करना क्या चाहे कितना भी क्यों ना आता हो आपको यहाँ समझना पड़ेगा बड़े काम की चीज़ चलेगी ठीक है सर पर उससे पहले दो एग्जाम्पल दो तीन एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि मैं कुछ कुछ चीज़ें आपको बता सकूँ वो इम्पोर्टेंट रहेगी ठीक है तो एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ सिंपल वाला एक बात मैं आपसे पूछूं सिंपल से क्वेश्चन को, को, चाहिए मुझे क्वेश्चन का आंसर अगर हम एक लाख रुपए बैंक में जमा करें दस परसेंट पर एन के हिसाब से दो साल के लिए तो बताइए दो साल बाद कितना मिलेगा दस हजार एक लाख रुपए जमा कर रहा है दस परसेंट पर एन के हिसाब से तो बताइए दो साल बाद विथ इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर ये तो हमने पहली क्लास में किया है फ्यूचर वैल्यू निकालते थे हाँ और सर ऐसा करते थे एक लाख इंटू वन पॉइंट वन पावर टू तो सर आंसर आएगा एक लाख इक्कीस हजार ये हम कर चुके हैं सर बिल्कुल अब क्वेश्चन में क्या पूछने वाला हूँ ठीक से सुनना ये कौन सा वैल्यू है यह प्रेजेंट वैल्यू यह कौन सा वैल्यू है यह फ्यूचर वैल्यू आफ्टर टू इयर्स अब मैं आपसे बोल रहा हूं क्वेश्चन सुनना सुनना अगर मैं बैंक में जमा करूं आज एक लाख रुपए और जब दो साल बाद पैसे निकालूं तो निकल रहा है वन लैख ट्वेंटी वन थाउजेंड ठीक है बताइए कितना कमा रहा हूं हर साल परसेंटेज बता दो इसका मतलब इस बार सर रेट पूछ रहा है हाँ बेटे रेट बताइए रेट फिर से मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे क्या ये पता है यस मुझे क्या ये पता है यस क्या मुझे ये निकालना है यस मुझे रेट निकालना है रेट क्या रेट पता किया जा सकता है बस इसी मुद्दे पर दो तीन एग्जाम्पल करवाऊँगा कि रेट कैसे निकाला जाता है सर निकाल सकते हाँ बेटे आप निकालो ना आपके पास टाइम है मैं थोड़ा लिखवा दूँ बच्चों को ठीक है सर तो लिखोगे एग्जाम्पल नंबर वन प्रेजेंट वैल्यू करके निकाल रुपीस वन लाख फ्यूचर वैल्यू रुपीज वन लाख वन थाउजेंड तो बताइए रेट क्या होगा रेट क्या होगा रेट ऑफ रिटर्न या फिर आईआरआर क्या होगा इसका आपको जवाब दे रहा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हालांकि मैं जानता हूं इसका जवाब आप बिल्कुल आसानी से दे सकते हो रेट को आर मान सकते हो इट मीन्स इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा सुनोगे आप ऐसा करते हैं हमें जमा करना है एक लाख रुपए वन प्लस आर आर ही तो निकालना है पर ये फ्यूचर वैल्यू सर कब का है ये तो लिखिए यस यहाँ लिखा नहीं है किधर लिखो यहाँ लिखो, लिखो, लिखो फ्यूचर वैल्यू आफ्टर टू इयर्स लिख लीजिए बेटे मेरे पास जगह नहीं है आफ्टर टू इयर्स ठीक तो यहाँ पावर टू करना पड़ेगा आफ्टर टू इयर्स लिखा तो पावर टू हो जाएगा और यहां टोटल कितना जाएगा वालं 21,000 अब आर निकल सकता है क्या हाँ सर आर निकालना रेट निकालना तो कैसे निकलेगा R square, 1 प्लस आर स्क्वायर 1,21,000 डिवाइडेड बाय वन लैख वन पॉइंट टू वन अब स्क्वायर को हटाना है तो यहां बचेगा क्या वन प्लस तो स्क्वायर हटाना है तो दो तरीके एक तो स्क्वायर लगा दो वन पॉइंट टू वन ठीक है सर ये तो आता है या फिर अल्टरनेटिव आप ऐसे लिख सकते हैं वन पॉइंट टू वन और स्क्वायर टू हटाया तो पावर में क्या आ गया वन बाई टू आपको जो भी यूज करना आप स्क्वायर रूट भी लगा सकते हो या पावर में वन बाई टू भी लिख सकते हो सर अगर यहाँ पावर में वन बाई थ्री अगर फोर होता तो पावर में वन बाई फोर हो जाता पावर वन बाई फोर का मतलब होता है दो बार स्क्वायर रूट सर थ्री होता तो बेटे वो मैं समझाऊंगा ना सर हम कौन सा फॉलो करेंगे बेटे हम ये वाला फॉलो करेंगे ठीक है ये वाला ये वाला फॉलो करेंगे ठीक तो बताओ वन प्लस आर इज इक्वल टू वन प्लस आर इज इक्वल टू वन पॉइंट वन जीरो तो आर इज इक्वल टू जीरो पॉइंट वन जीरो या फिर हम क्या लिखते हैं टेन परसेंट ठीक है ये आपको समझना पड़ेगा बेटा इसकी जरूरत पड़नी पड़नी है रेट निकालने की उसके बिना काम नहीं होगा ओके सर सर अगला एग्जांपल देखोगे एग्जांपल नंबर टू अब आपका नंबर आप सोच समझ के काम होना चाहिए मान लो प्रेजेंट वैल्यू है चार लाख फ्यूचर वैल्यू आफ्टर ये लो आप भी क्या याद करोगे फोर इयर्स रुपीस इस बार ऐसा लिखूंगा कि रेट सिर्फ मुझको पता आप निकाल के बताना ये लो भाई। रुपीज सिक्स टू नाइन फोर जीरो एट ले लेते अब बताओ आर कितना चलो जी जल्दी जल्दी से चाहिए मुझे रेट कितना कुछ बच्चों ने तो कैलकुलेटर में भी देख लिया होगा जब मैं ऐसे हाँ सर आप जानबूझ के दिखा के कर रहे थे ना हाँ बेटे छोड़ो ना कैलकुलेटर आंसर चाहिए आंसर सर आंसर निकाल लेते हैं रेट को आर मान लेते हैं तो सर फाइनली ऐसे होगा चार लाख ओके वन प्लस आर पावर क्या हो जाएगा फोर इज इक्वल टू हो जाएगा सर सिक्स टू नाइन फोर जीरो एट अब सर इसको ऐसे लिखे वन प्लस आर टू द पावर फोर इक्वल टू सिक्स टू नाइन फोर जीरो एट डिवाइडेड बाय चार लाख हाँ सर यहाँ तक तो आ रहा है हमको वन प्लस आर डिवाइड करते सर सिक्स टू नाइन फोर ज़ीरो एट डिवाइडेड बाय चार लाख तो ये आ गया साहब वन पॉइंट फाइव सेवन थ्री फाइव टू अब यहां फोर है तो इसको हटाना है तो वन प्लस आर इज इक्वल टू वन पॉइंट फाइव सेवन थ्री फाइव टू पावर वन बाय फोर ओके सर ये बात है अब यहां क्या करना पड़ेगा वन प्लस आर पावर वन बाय फोर का मतलब दो बार स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट एक बार स्क्वायर रूट दो बार ओहो तो ये आ गए आर इज इक्वल टू ये माइनस हो जाएगा जीरो पॉइंट वन टू या फिर ट्वेल्व परसेंट ठीक है ठीक है सर सर एक क्वेश्चन बोले सर अगर यहां थ्री होता तो हम्म hmm. सर अगर यहां फाइव होता तो अगर यहां सेवन होता तो अगर यहां टेन होता तो कुछ भी तो हो सकता है जरूरी थोड़ी ना कि टू या फोर ही रहे टू रहा तो आपने एक बार स्क्वायर रूट किया बिल्कुल फोर रहता तो आप दो बार स्क्वायर रूट करोगे ठीक है एट होगा तो आप तीन बार स्क्वायर रूट कर दोगे ये करोगे ना लेकिन थ्री भी तो हो सकता है सेवन भी तो हो सकता है नाइन भी तो हो सकता है इलेवन हो सकता है ट्वेल्व हो सकता है कुछ भी हो सकता है फिर कैसे करोगे बिल्कुल ऐसा वाला भी सर एक एग्जाम्पल करवा दो अगर ऐसा होता तो अगर ऐसा होता तो भाई आपको टेबल दिया होगा अच्छा सर वो एन टेबल हाँ सर वो तो दिया ही नहीं रहता ना एग्जाम में कहा दिया रहेगा बिल्कुल तो क्या कैलकुलेटर से काम हो सकता है यस तो लिखोगे एग्जाम्पल नंबर थ्री प्रेजेंट वैल्यू रुपीज फोर्टी थाउजेंड फ्यूचर वैल्यू आफ्टर बोलो कितना करवाना चाहते हो थ्री इयर्स फाइव इयर्स सेवन इयर्स जितना चाहे उतना लो मैं के लिए थ्री इयर्स लिखता वन वन पॉइंट फोर इक्वल टू इक्वल टू इंटू चालीस मैं भी जानता हूँ आंसर फोर्टीन परसेंट आना चाहिए फाइव 9262 और मुझे क्या चाहिए मुझे बताइए हर साल कितने परसेंटेज की कमाई हो रही है कि हम चालीस हजार रुपए जमा करेंगे फोर्टी थाउजेंड तो तीन साल बाद फिफ्टी नाइन टू सिक्स टू मिलेगा तो चलो काम कर लेते हैं 40,000 1 plus r to the power 3 is equal to five nine two six two. agree yes Five nine two six two divided by 40,000 1.48, 1.55 फोर यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर इसके बाद वन पॉइंट फोर एट वन फाइव फाइव पावर वन बाई थ्री पावर वन बाय थ्री कभी कभी बुक में आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है चिंता मत करना एक ही बात ना चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो पर ये ज्यादा अच्छा है इसमें दिक्कत नहीं होगा ये भी अच्छा है लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है अब क्या करना बेटे अब खेल है सर अब शॉल कैसे करना पहली बात जिन बच्चों को आता है वो समझ ही गए है कि डर्टी पावर सर डर्टी पावर और जिन बच्चों को ने कभी सुना नहीं है डर्टी पावर वो सोचे भाई ये क्या चीज है आ, कुछ है नहीं है इसको सॉल्व करने का तरीका होता है इसको बोला जाता है डर्टी डर्टी का मतलब गंदा पावर गंदा अच्छा सर जैसे वन बाई थ्री है बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हाँ अगर वन बाई टू होता तो एक बार स्क्वायर रूट कर देते हो जाता वन बाई सेवन डर्टी पावर वन बाई फाइव डर्टी पावर उसको सॉल्व कैसे करोगे दिस इज डर्टी पावर और डर्टी पावर को सॉल्व करने का तरीका है सर तरीका क्या है बेटे जो मैथड से मैं कैलकुलेटर यूज करना है और जो कैलकुलेटर यूज करूंगा मैं उसको मुझे मेन आंसर में नहीं दिखाना है कहीं भी नहीं वर्किंग नोट में भी नहीं दिखाना उसको कहीं लिख कर रख लो कि यार कैलकुलेटर कैसे यूज किया जाता है डर्टी पावर ठीक है क्या लिखने जा रहे हैं हम डर्टी पावर सबसे पहले आपके पास क्या है ये आंसर तो सबसे पहले कैलकुलेटर में लिखोगे वन पॉइंट फोर एट वन फाइव फाइव इट मीज जो भी वैल्यू आई वो कैलकुलेटर में लिख दोगे ठीक है सर पहला स्टेप पहले का सर दूसरे नंबर पे क्या करोगे स्क्वायर रूट करेंगे कितने बार बारह बार, बार. ट्वेल्व टाइम्स ठीक ठीक है सर कुछ लोग तेरह बार भी करते हैं अब बारह बार में कोई दिक्कत नहीं है। हम बारह फिक्स ही याद रखें थर्ड सर इसके बाद क्या करोगे इसके बाद होगा माइनस वन सर इसके बाद क्या करोगे इसके बाद बेटे पावर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा थ्री अगर यहां सेवन होता तो डिवाइडेड बाय क्या होता सेवन तो मतलब क्या होता है अगर मैं देखूँ तो होता क्या है मैं आपको बता रहा हूँ ये पावर को कैसे यूज करते हैं हम डिवाइड करेंगे डिवाइड नीचे वाले से डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से और न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्चुअल में होता है मतलब डिवाइडेड बाय थ्री होगा इंटू वन होगा सर अगर यहाँ मान लो फोर बाय थ्री होता तो, तो डिवाइडेड बाय थ्री होता इंटू फोर हो जाता पर किस्मत से यहां वन है इसलिए ये टू ना भी करोगे ना तो भी चल जाएगा अच्छा सर ये बात है हां और कुछ नहीं मतलब नीचे वाले से डिवाइड ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो यहां डिवाइड किससे है बेटे डिवाइड किससे करोगे डिवाइड करोगे पावर से पावर से पावर का मतलब वन बाय थ्री से डिवाइड नहीं करोगे थ्री से डिवाइड करोगे थ्री से आप क्या करना अब करोगे प्लस वन और इसके बाद करोगे इनटू इक्वल टू वापस कितने बारह बार एक बार मैं करके देख लेता हूं पता लगा मैं खुद कंफ्यूज हो गया सर ये याद करना पड़ेगा क्या बाद में बात करता हूं पहले करते तो वन पॉइंट वन पॉइंट फोर एट वन फाइव फाइव बारह बार इसको दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह माइनस वन डिवाइडेड बाय थ्री प्लस वन इंटू इक्वल टू एक बार इंटू इक्वल टू दो बार इंटू इक्वल टू तीन पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह वन पॉइंट वन फोर वाओ मजा आ गया और फिर आपको मेन आंसर में पहुंचना है और सीधा क्या लिखना है 1.14 दैट्स इट सर ये दिखाना है कि बेटी ये दिखाओगे तो सामने वाला जो पेपर चेक कर रहा है वो घबरा जाएगा बोले पता नहीं क्या लिखा है सर और कोई दूसरा तरीका ये तो रट्टा वाली बात हो गई रटना ही पड़ेगा और कोई दूसरा तरीका कोई दूसरा तरीका नहीं क्या। फिर तो आपको दो दो तरीके फिर तो। या तो आपको टेबल मिलेगी जो कि आपको मिलेगी नहीं जी सर सर और कोई इसके अलावा चिटिंग करो साइड वाले से पूछो और कोई ऑप्शन नहीं ये आपको सीखना ही पड़ेगा और सीखना पड़ा रहा होगा जब आप सी इंटर में रहे रहोगे okay. मुझे ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया में सीए इंटर में ये डर्टी फॉर्मूला हर कोई जानता सीए इंटर का छोड़ो सी फाउंडेशन से जानते हैं सर एक बात बताओ बारह कहा से आया नहीं बता सकता मैंने कहा ना आपको मानना पड़ेगा सर तो बारह ये बारह टाइम्स लिखा ट्वेल्व टाइम्स ये कभी इलेवन भी हो सकता है बेटा नहीं हो सकता ये फिक्स है ओके सर सर माइनस वन ये भी फिक्स है पावर ये चेंज होगा यहाँ पावर थ्री है कि फोर है कि फाइव है ये देखना पड़ेगा प्लस वन ये भी फिक्स है इंटू इक्वल टू क्या बारह बार ही करना है हाँ तो चेंज कहाँ होना है वेरिएबल कौन कौन सी चीजें हैं बेटे वेरिएबल है एक ये और वेरिएबल है ये। बस दो जगह आपको ध्यान देना ठीक है सर ये आपको याद रखना पड़ेगा साहब क्यों याद रखना पड़ेगा इसका यूज बहुत ज्यादा होने वाला है बहुत ज्यादा होने वाला है इसका यूज ठीक है और एग्जाम्पल करेंगे क्या नहीं क्यों क्योंकि आगे जब मैं क्वेश्चन बनाऊंगा तब वो आप ऑटोमेटिक करवा दूंगा ये डर्टी पावर वाले एग्जांपल्स ठीक है ठीक है सर ये लोग इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग कहाँ आया बेटे आया ही नहीं अब तो मैं समझाने वाला हूं पढ़ाने वाला हूं कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंड ठीक है तो स्टार्ट करें हाँ सर अब हम स्टार्ट करें हमारा मेन टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग ये कंपाउंडिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें तो बस मैं ये डर्टी पावर आपको समझाने वाला था इसलिए ये एग्जाम्पल करवाया अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग तो सर एग्जाम्पल लिखे यस yes. एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और ध्यान से समझना आपको सपोज वी हैव रूपीज वन लैख हमारे पास एक लाख रुपए है एंड वन टू इन्वेस्ट फॉर वन ईयर एक साल के लिए हम इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट करें तो कहाँ करें सर शेयर्स ख़रीद लीजिए शेयर्स वेयर्स में नहीं करना बर्बाद हो जाएंगे हम लोग अच्छा तो फिर क्या करोगे सर मैं बैंक में जमा करना चाहता हूँ सर पूछने वाला क्या है कर दो जमा बेटे अब समस्या मैं बैंक गया बड़ी बड़ी बैंक है स्टेट बैंक भी है एच भी है और एक्सिस बैंक भी है तो सर कौन सी बैंक जा रहे हैं मैं बता रहा हूँ ना भाई मैं इन बड़ी बड़ी बैंक का तो नाम नहीं लेता हूँ पर मैं पहुँचा बैंक ए और बैंक ए से पूछा बैंक बैंक मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा ये तो बता दीजिए तो बैंक ए ने कहा आपको मिलेगा ट्वेल्व परसेंट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली बोले आपको मिलेगा ट्वेल्व परसेंट कंपाउंडेड एनुअली मैंने कहा अच्छा बोले हाँ मैंने कहा सीधा बोलो ना बोले बारह परसेंट मिलेगा ना साहब अच्छा मैंने कहा ठीक है मजा नहीं आ रहा मैं कोई दूसरी बैंक से जाके पूछता हूँ मैं पहुंचा दूसरी बैंक मैंने कहा बैंक भी बोलो कितना इंटरेस्ट मिलेगा इनका कहना आपको मिलेगा सर ट्वेल्व परसेंट पर एनम कौन सा नहीं बात बोल दिया बैंक की पर सुनो तो सुनो आके बोले मिलेगा आपको कंपाउंडेड सेमी एनुअली या हाफ सेमी एनुअली मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों बैंक में मुझे इंटरेस्ट तो 12 परसेंट ही मिलेगा बस अंतर क्या है एक बोल रहा है कंपाउंडेड एनुअली एक बोल रहा है कंपाउंडेड सेमी एनुअली बस मुझे सी ए साहब के पास जाना पड़ेगा यही समझने के लिए पर मैंने कहा अभी रुक जाओ और एक बैंक से पता तो करूं बैंक से मैंने कहा आप बताओ कितना मिलेगा इन्होंने कहा हम देंगे आपको ट्वेल्व परसेंट पर एन कंपाउंडेड बोले क्वार्टरली बाप रे बाप मतलब सर सब ट्वेल्व परसेंट ही देने वाला है हाँ जो चेंज आ रहा है वो यहाँ आ रहा है मैंने कहा और घूमूंगा मुझे तो मजा आने लगा अब तो ये बैंक टी मैंने कहा आप भी बता दीजिए सर बोले हम भी देंगे ट्वेल्व परसेंट पर है लेकिन हम देंगे कंपाउंडेड मंथली चलो ये भी अच्छा है हमने कहा चलो और चलते हैं बैंक ई आप क्या दोगे बोले ट्वेल्व परसेंट पर एन एम बोले वीकली मैं थक गया भाई थक गया बिल्कुल ये कंपाउंडेड मतलब अब आखिरी बैंक और जाऊंगा उसके अलावा फिर कहीं नहीं जाने वाला ओके तो मैं पहुंचा लास्ट बैंक बैंक एफ हमने कहा कितना बोले हम देंगे ट्वेल्व परसेंट पर एन लेकिन हम देंगे कंपाउंडेड कंटिन्यूसली सर इसका मतलब बेटे मतलब तो मैंने कहा इनका भी समझ में नहीं आया तो इसका मतलब कहाँ से समझ में आएगा इनका मैं पता करूंगा ना एक लाख रुपए जमा करना है यार पता तो करेंगे पता करने के लिए हम सीए साहब के पास जाएंगे कोई दिक्कत की बात नहीं पर अब मुझे ये देखना है कि यार एक साल बाद जब पैसा निकालू तो किसमें मुझे ज्यादा पैसा मिलेगा सर वो तो हम बता देते हैं ना बच्चे बोल रहे हो गए सर हम बता देते इसमें ज़्यादा मिलेगा ऐसे थोड़ी मैं तो वो पूछूँगा ही नहीं कैलकुलेट अमाउंट रिसिव आफ्टर वन ईयर With interest from each bank. चलो जी क्या निकालना है आपको आपको निकालना कि अगर हम एक साल बाद पैसा निकालें अगर मान लो हम बैंक ए में ही जमा कर और एक साल बाद पैसा निकाले तो कितना पैसा मिलेगा अगर हम बैंक ए में जाना जमा करें हम बैंक बी में पैसा इन्वेस्टमेंट करें तो कितना पैसा मिलेगा विथ इंटरेस्ट ऐसे हर एक बैंक का हमको निकालना है। क्या आप तैयार हो हाँ सर हम तैयार हैं सबसे पहले बात किसकी करेंगे सबसे पहले सर बात करेंगे हम बैंक ए की बैंक चलो जी बैंक ए क्या बोल रहा है बैंक ए बोल रहा है साहब एक लाख रुपए जमा कीजिए आपको बारह प्रतिशत इंटरेस्ट मिल जाएगा ठीक है सर ये तो किया हुआ है हमारा फिर तो चलो सिंपल हो गया था एक लाख वन पॉइंट वन टू एक सन तो कितना आ जाएगा एक लाख बारह हजार ठीक कोई दिक्कत की बात नहीं है सर अब किसकी बात करेंगे अब बात करेंगे बैंक बी अब हम पहुंचे साहब बैंक बी के पास और हमने कहा यार बैंक बैंक ये बताओ ये बोल क्या रहा है आप ट्वेल्व परसेंट एक्चुअल में बोलना क्या चाहते हो उन्होंने कहा हम बोलना ऐसे चाहते हैं सुनोगे क्या बोला बोले जैसे आप एक लाख रुपए जमा करोगे हम इंटरेस्ट तो देंगे ट्वेल्व परसेंट पर एनम ही लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब बोले हम छह महीने में इंटरेस्ट लगाएंगे और फिर जो इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट मिलेगा जैसे कंपाउंडेड एनुअली होता था ना कि एक साल किया और एक साल में जो इंटरेस्ट मिला उसपे भी इंटरेस्ट बोले यहां छः माह में ऐसा होगा मतलब मैंने कहा समझाओ मतलब बोले देखो छः माह बाद आपका कितना हो जाएगा ये छः माह और ये बारह माह मैंने कहा मेरा हो जाएगा एक लाख इंटू वन पॉइंट जीरो सिक्स छः महीने का छः परसेंट तो मैंने कहा मेरा हो जाएगा एक लाख छः हजार बोले अब जो इंटरेस्ट मिलेगा ना आने वाले छ महीने में वो एक लाख पर नहीं मिलेगा वो एक लाख छ हजार पर मिलेगा इट अब इस पे कैलकुलेट होगा जबकि आपकी बैंक ऐसा नहीं कर रही थी आपकी बैंक यहां भी छह हजार रुपए ही इंटरेस्ट दे रही थी इसलिए वो एक लाख बारह हजार हो रहा था ठीक है तो सर अब हमको एक लाख छह हजार पे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा तो सर हम सीधा कर नहीं कर सकते वन पॉइंट जीरो सिक्स टू कर सकते हो हालांकि इसका फॉर्मूला पड़ा होगा फॉर्मूले की जरूरत है नहीं है एस एफ एम में पढ़ने के लिए जमाने भर के फॉर्मूले इस पे भी फॉर्मूला पढ़ोगे तो फिर तो हद हो जाएगी क्यों किया मैंने तो मैं क्या करने वाला हूँ बारह परसेंट है कंपाउंडेड सेमी एनुअली सेमी एनुअली का मतलब छ महीने तो पहले छह महीने का मैं निकाल लूंगा क्या इंटरेस्ट का रेट बारह माह का बारह परसेंट छ माह का छह परसेंट और फिर क्योंकि दो बार कंपाउंडिंग होगा तो पावर टू कर दूंगा सिंपल अच्छा तो हमको इस तरह से दिखाना पड़ेगा कैसे करूंगा मैं रुपीस वन लैख यहां कैसे आएगा फैक्टर कैसे आएगा वो मैं पास इसको मैं फैक्टर बोलू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर हाँ बोल सकते सर ये कैसे किया मैंने छह परसेंट बारह परसेंट है ना तो इसकी किया मैंने बारह इंटू सिक्स बाय ट्वेल्व डिवाइडेड बाय हंड्रेड प्लस वन कहां किया ये मैंने कैलकुलेटर में किया बेटे ठीक ऐसा करूंगा तो ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा 1.06 अब पावर क्या हो जाएगा टू तो 1.06 पॉइंट जीरो सिक्स इंटू इक्वल टू इंटू एक लाख तो ये आ गया रुपीस एक लाख बारह हजार तीन सौ साठ और क्या ज्यादा ही आना था यस yes. हंड्रेड परसेंट ज्यादा ही आना था ज्यादा क्यों आना था क्योंकि यहां और यहां में अंतर है हमेशा जितनी बार कंपाउंडिंग होगा आपका कैश इनफ्लो उससे उस ज्यादा आएगा ठीक है और बात किसकी कर ले अब बात कर लेते हैं बैंक सी फिल लेते हैं रुपीज बन लाख क्या लिखा बैंक सी में कंपाउंडेड क्वार्टरली। बताओ एक क्वार्टर में कितने मंथ होते हैं तीन महीने और कितने बार कंपाउंडिंग होगा तीन महीने फिर तीन महीने फिर तीन महीने फिर तीन महीने मतलब चार बार तो फैक्टर कैसे निकाले फैक्टर ऐसे निकलेगा बारह इन थ्री बाय बाई डिवाइडेड बाय हंड्रेड प्लस वन सर वन पॉइंट जीरो थ्री बोलिए ना सीधा सीधा बेटे ये सीधा सीधा ना आपको बाद में दिक्कत खड़ी करेगा ये तो मैंने कहा कैलकुलेटर में आप ऐसे निकाल सकते हो ठीक है ओके okay, सर मतलब सर यहाँ आ जाएगा वन पॉइंट जीरो थ्री पावर फोर इसको कैसे करते हैं तो मैं आपको समझा चुका हूँ एक बच्चों वाला कर लो वन पॉइंट जीरो थ्री इंटू इक्वल टू दो बार इक्वल टू तीन बार इक्वल टू चार ऐसे भी कर सकते थे पॉइंट जीरो थ्री इंटू इक्वल टू दो फिर डबल करना इंटू इक्वल टू इंटू एक लाख तो भी आंसर उतना ही आता ठीक है सर ये तो आप करवाए थे ना यस अब कहाँ पहुंच गए सर हम पहुंच गए हैं बैंक डी कितना रुपए साहब एक लाख सर बैंक डी में बोला क्या है कंपाउंडेड मंथली सर इसमें कैसे करेंगे इसमें भी करके फैक्टर तो हम निकालेंगे मंथ मतलब वन बाय ट्वेल्व डिवाइडेड बाय हंड्रेड प्लस वन ओके सर तो अब इसकी बात कर लीजिए ये फैक्टर निकल जाएगा और फैक्टर कितना निकलेगा देख लेते हैं ट्वेल्व इंटू वन बाई ट्वेल्व डिवाइडेड बाई हंड्रेड प्लस जीरो वन तो यहाँ जाएगा वन पॉइंट जीरो वन और कितने बार मंथली है तो बारह बार कंपाउंडिंग होगा अब इसको मैं कैसे करूँगा? देखो दो तरीके हैं पहले तीन तक पहुंचूंगा मतलब 1.01 पॉइंट जीरो वन इंटू इक्वल टू दो बार इक्वल टू तीन बार फिर तीन से छः तक पहुंचूंगा मतलब डबल इंटू इक्वल टू छः छः से छह तक इंटू इक्वल टू बारह वन पॉइंट वन टू सिक्स एट इंटू एक लाख तो ये आगे रुपीस एक लाख बारह हजार सिक्स एटी टू अल्टरनेटिव आप छः तक पहुँचिए और डबल कर दीजिए मतलब वन पॉइंट जीरो वन इंटू इक्वल टू दो तीन चार पाँच छ इंटू इक्वल टू आंसर उतना ही है ठीक है सर ये भी बात समझ में आ गई हमको अब चले आगे यस अब बात किसकी हो रही है बैंक क्या लिखा है बैंक बैंक ई में लिखा है कंपाउंडेड वीकली ओहो वीकली काम करना है क्या यस तो सर फैक्टर कैसे निकलेगा हां आप फंसे ना बेटे अब आया ऊट पहाड़ के नीचे बारह इंटू वन वीक का निकाल लो कितना वीक होता है एक साल में सर 52 बिल्कुल सही कितने अच्छे बच्चे वन बाय फिफ्टी टू वन मंथ का नहीं वन वीक का निकाल रहा वन मंथ का निकालना तो वन बाय ट्वेल्व वन वीक का निकालना तो वन बाई फिफ्टी टू डिवाइडेड 100 हंड्रेड प्लस वन ठीक है यस yes, सर तो सर कितना आएगा फैक्टर चलो देखते हैं 12 इंटू वन बाई फिफ्टी टू डिवाइडेड बाई हंड्रेड प्लस वन वन पॉइंट जीरो जीरो टू थ्री और कितने बार करना है फिफ्टी टू अब बोलो कैसे करेंगे फिफ्टी टू क्या टू से डिवाइड हो सकता है हाँ हो सकता है एक बार ये भी चेक क्या फोर से डिवाइड हो सकता है फिफ्टी टू डिवाइडेड बाई फोर हाँ हो सकता थर्टीन फिफ्टी टू क्या एट से डिवाइड हो सकता है वो हो फ्रैक्शन आ रहा है नहीं हो सकता फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए इट मीन्स फोर फोर से डिवाइड करना है इसका मतलब हमको फोर टाइम में हो जाएगा थर्टीन आया होगा फिफ्टी टू डिवाइडेड बाई फोर थर्टीन तो तेरह तक जाएंगे फिर थर्टीन का डबल करेंगे तो ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सिक्स का डबल करेंगे तो फिफ्टी टू क्या नहीं आ रहा तो आप अपने हिसाब से कर लेना वन पॉइंट डबल जीरो टू थ्री इंटू इक्वल टू दो बार तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह छब्बीस बावन ये आगे इंटू एक लाख तो ये आ गया रुपीज वन लाख ट्वेल्व सिक्स एटी नाइन सर मंथली कंपाउंडिंग और वीकली कंपाउंडिंग में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है बहुत ज्यादा अंतर नहीं है ठीक है सर यहां तक तो बात समझ में आती है। और कुछ बचा हुआ है क्या लास्ट अब जो मैं बात करूंगा मैं बात करूंगा बैंक एफ जिसको ये थर्टीन इंटू फोर समझ में नहीं आ रहा फिफ्टी टू बार कैलकुलेटर चला लेना कोई दिक्कत की बात नहीं एग्जाम में इतना बड़ा नहीं पूछेगा एफ में क्या है देख कंपाउंडेड ओहो सर ये कंटिन्यूअसली क्या होता है डेली कंपाउंडिंग नहीं बेटे डेली कंपाउंडिंग नहीं आप इसे डेली भी बोलते हैं। कुछ क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता मतलब बेटे आप कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग का मतलब हर सेकंड में कंपाउंडिंग हर मिनट में कंपाउंडिंग अच्छा एक मिनट फिर इंटरेस्ट फिर एक मिनट एक का इंटरेस्ट आप इसको डेली कंपाउंडिंग भी बोल सकते क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता मेरी बात बस इतनी समझने की कोशिश करो एग्जाम में या तो डेली कंपाउंडिंग लिखा रहेगा तो भी कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग मानेंगे हर सेकंड में कंपाउंडिंग बोलेगा तो भी कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग है सर ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल प्रैक्टिकली नहीं होता कि इतना इंटरेस्ट ऐसे कोई इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है कि लेकिन जहाँ बात आती है शेयर मार्केट की और जहाँ बात आती है फॉरेक्स वगैरह की डॉलर्स तो वहाँ हमें ये यूज करना पड़ता है क्यों क्योंकि हमें मैच करना पड़ता है क्या शेयर मार्केट में हर सेकेंड में चेंज होता है यस इसलिए हमें भी दोनों को इक्वल रखना है हम ये बोलते हैं ना शेयर मार्केट में लगाए कि बैंक में जमा करें तो जब दोनों को इक्वल करना जहां वहां हर सेकेंड में चेंज हो रहा है तो यहां भी इंटरेस्ट को हम हर सेकेंड में कंपाउंडिंग करने की कोशिश करेंगे ठीक है इसलिए यह यूज होगा पर कहा होगा दो चैप्टर में यूज होगा कहां कहां कंटिन्यूसली कंपाउंड ये शब्द यूज होगी शेयर मार्केट में और शेयर मार्केट और ये फॉरेक्स से रिलेटेड चैप्टर कौन कौन सा है एक डेरिवेटिव है जहां ये शब्द यूज होगा और दूसरा फ़ॉरेक्स कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग और सर इसके लिए निकालेंगे कैसे हर सेकंड में कंपाउंडिंग आपको बोलना अच्छा लग रहा है बहुत अच्छी बात है बोलिए करोगे कैसे यस इसके लिए देखा जाएगा लॉक टेबल सर लॉक टेबल कहाँ है लॉक टेबल कैसे देखा जाता है ये मैं आपको बता दूंगा लेकिन सर टेबल तो दिया ही नहीं रहता आप ही तो बोल रहे हैं यस टेबल नहीं दिया रहता पर मेरी बात समझो मेरे पास और एक तरीका कैलकुलेट या तो टेबल दिया तो सुनो सुनो आपको क्या टेबल दिया रहेगा एग्जाम में नहीं टेबल नहीं दिया रहेगा तो फिर करेंगे कैसे सर टेबल नहीं दिया रहेगा तो आपके पास दो तरीके हैं या तो आप को क्वेश्चन के नीचे वैल्यू दिया रहेगा अच्छा सर क्वेश्चन के नीचे वैल्यू दे देता है अच्छा इसका वैल्यू दे देगा क्वेश्चन के नीचे या दूसरा तरीका आपको कैलकुलेटर ही चलाना पड़ेगा वो मैं आपको समझा दूंगा फिर से टेबल नहीं देगा या तो क्वेश्चन के नीचे वैल्यू दे देगा या तो फिर सर जी क्या है आपको कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा और मैं आपको कैलकुलेटर चलाना सिखा रहा हूं अभी टेबल हम चेक नहीं कर रहे और कैलकुलेटर कैसे चलाइए बट इसको लिखा कैसे जाता इसको ऐसे लिखा जाता सुनना ध्यान से यहाँ तक कोई दिक्कत है रुपीज़ वन लैख नहीं सर कोई दिक्कत नहीं इन सर फैक्टर बिट इसको निकाल एक्सपोनेंशियल अच्छा सर कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग को जो शो करते हैं वो ई से करते एक्सपोनेंशियल आपके ना उसमें भी होगा मोबाइल में भी होगा अच्छा साइंटिफिक कैलकुलेटर जब खोलोगे ना तो वहाँ दिखाए वहाँ दिखेगा ई पावर एक्स साइंटिफिक कैलकुलेटर की मैं बात कर रहा हूँ सर जो कि हमको अलाउ नहीं है बिल्कुल तो इसकी बात ही नहीं ई e. एक्स का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जीरो पॉइंट वन टू ओके तो अब हमको जीरो पॉइंट वन टू का फैक्टर चाहिए और वो फैक्टर कैसे निकलेगा क्या इसको कैलकुलेटर से सॉल्व किया जा सकता है बस मैं यही समझाने की कोशिश करूँगा बिल्कुल कर सकते हैं ये भी डर्टी पावर जैसा ही है एक्सपोनेंशियल वैल्यू या continuously continuous कंपाउंडिंग को कैसे सॉल्व करते हैं सपोज आपको दिया है e जीरो पॉइंट वन टू इसको सॉल्व कैसे करेंगे तो सबसे पहले कैलकुलेटर में लिखोगे जीरो पॉइंट वन टू दूसरी बार डिवाइड करोगे फ़ोर ज़ीरो नाइन सिक्स वाओ सर ये कहाँ से ले आए आप फोर ज़ीरो नाइन सिक्स हद हो गई ये फिक्स है रटवाओ जितना रटवाना बेटे मैं भी मजबूर हूँ ना मैं क्या कर सकता हूँ अच्छा फोर ज़ीरो नाइन सिक्स याद कर सकते हो जाएगा याद सर इसके बाद क्या करोगे मैं देख लूँ एक बार पॉइंट वन टू 4096 बाई फोर ज़ीरो नाइन सिक्स फिर करेंगे प्लस वन और फिर करेंगे इंटू इक्ल टू कितने बार बारह बार बस आंसर आ जाएगा पॉइंट वन टू डिवाइडेड बाई फोर ज़ीरो नाइन सिक्स प्लस वन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह और साहब ये आ गया आंसर आपका फाइनली और आंसर क्या आ गया आंसर आ गया वन पॉइंट वन टू सेवन फाइव Okay, sir, ये बात है हाँ ये आपको याद रखना सर इसमें क्या क्या चीज चेंज करना पड़ेगा ये वेरिएबल है कि फिक्स है इसमें आपको जो चेंज करना पड़ेगा इसमें वेरिएबल कुछ नहीं है भाई बस आपको रेट में भर चेंज करना पड़ेगा इट मीन सिर्फ इसमें रेट वेरिएबल है बाकी सब फिक्स है ये सब कुछ करना पड़ेगा 0.12 वेरिएबल है बाकी ये फिक्स है ये फिक्स है ये फिक्स है आंसर तो फिर चेंज करो ठीक है सर मतलब यहाँ चेंज करना बाकी दो तीन चीजें याद करनी पड़ेगी यस yes. और यहाँ क्या जाएगा यहाँ कुछ नहीं लिखना है कितना है था 1.1275 तो एक लाख इनटू 1.1275 एक लाख बारह हजार सा� ठीक ये तो आप एक काम कीजिए मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं ये जो है ना ये ये कॉपी के पहले पेज में लिख कर रख लीजिए क्यों क्योंकि इसकी जरूरत तो पड़ने वाली है जब आप बीच में जाओगे डेरिवेटिव के बीच में जाओगे और यहां जरूरत पड़ेगी फॉरेक्स में जाओगी जरूरत पड़ेगी और जब जरूरत पड़ेगी तो उस समय भूल गए होगे फिर कहाँ लिखा है पता नहीं तो कॉपी के पहले पेज में लिख लो ये हंड्रेड परसेंट जरूरत पड़ने वाली और कौन सा वाला पहले पेज में लिख देना डर्टी पावर उसकी भी जरूरत पड़ेगी सर ये टेबल में दिखा सकते हो क्या आप हाँ जी, टेबल में शायद हो मेरे पास चेक कर लेते हैं। हाँ ये है पता नहीं आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा ठीक ये एक टेबल है सर इसमें क्या क्या लिखा है बेटे मैं आपको बता रहा हूँ ये जो इधर वाला पार्ट है ना इधर वाला ये आपका काम का नहीं है ये देखो ये और ये फर्स्ट ईयर ये एक्सपोनेंशियल कंपाउंडेड अमाउंट फैक्टर और कौन सा बारह साल बा, बारह साल में देखो वन पॉइंट वन टू सेवन फाइव मुझे नहीं मानो आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सर थोड़ा और बड़ा करोगे क्या पहली बार टेबल आता ही नहीं हम देख ही क्यों रहे पर फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये दिख रहा हो वन पॉइंट वन टू सेवन फाइव बारह साल अगर सर दस साल हो दस साल का होता दस साल बारह परसेंट होता बारह परसेंट है ना सर मान लो दस परसेंट होता तो आंसर क्या लिखा आंसर लिखा वन वन पॉइंट जीरो फाइव टू सर निकाल के देखिए क्या चलो देखते दस परसेंट का पॉइंट वन जीरो डिवाइडेड बाय फोर जीरो नाइन सिक्स प्लस वन एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह वन पॉइंट आ गया ऐसे आप किसी भी परसेंटेज का निकाल सकते हो ये टेबल आपको बुक में दिया है और बुक में कहा दिया है बुक में दिया लास्ट पेज लास्ट टेबल लेकिन ये टेबल नहीं मिलेगा पर आपको कैलकुलेटर में प्रैक्टिस करना तो आप कर सकते हो कोई भी परसेंट ले लो ट्वेंटी टू परसेंट ले, ले, ले लीजिए उसका निकाल कर देख लीजिए ठीक है ओके सर ठीक है जी तो फाइनल हो गया तो बोलो कौन किस में ज्यादा पैसा आएगा कोई शक ही नहीं इस बैंक में सबसे ज्यादा पैसा आएगा मुझे इस क्वेश्चन में क्या समझाना था इस एग्जांपल में इस एग्जांपल में मुझे ये समझाना था कंपाउंडेड का मतलब क्या होता तो सर ठीक है ना समझ में आ गया बेटे अभी समझ में नहीं है अभी तो खेल बाकी है पूरा की पूरा अगर मैंने कहा इसमें जो समझा है वो सिर्फ यही समझा है कि कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग कैसे निकाला जाता अब आपको मजा आएगा थोड़ा सा अगले एग्जाम्पल से मज़ा आना लगेगा ठीक है तो स्टार्ट करते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद ब्रेक ले स्टार्ट करते हैं चलो जी अब बात को आगे बढ़ाते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं कैसे तो सुनो मेरी बात को ठीक से एग्जाम्पल के थ्रू तो। और ये रहा एग्जाम्पल और एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऐसा लिखता था एग्जाम्पल अमाउंट लिख दू चलेगा ना यस अमाउंट रुपीज वन लैख अमाउंट रुपीज वन लैख ठीक है सर अमाउंट की जगह प्रेजेंट वैल्यू लिखोगे ना तो हमको दिक्कत नहीं होगी चलो अभी तो ठीक है अमाउंट वन लाख और रेट टेन परसेंट पर है ना कंपाउंडेड कंटिन्यूसली कंपाउंडेड कंटिन्यूसली अमाउंट का मतलब ये मैं बात किसकी कर रहा हूं प्रेजेंट वैल्यू आज आज हमें एक लाख रुपए इन्वेस्ट करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट है टेन परसेंट कंपाउंडेड पर एनम कंपाउंडेड कंटिन्यूसली लेकिन जो इन्वेस्टमेंट करना वो एक साल के लिए नहीं करना छह महीने के लिए करना तो फ्यूचर वैल्यू आफ्टर सिक्स मंथ क्वेश्चन मार्क इसको कैसे किया जा सकता है क्वेश्चन को तो सुनो मेरी बात इसका सॉल्यूशन लिखोगे कैसे फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल रुपीज वन लैख ई क्यों ई आएगा क्योंकि कंपाउंडेड कंटिन्यूसली लिखा हुआ अब दस परसेंट है ना इसको इस तरह से दिखाया जाता है जीरो पॉइंट वन जीरो छ महीने का सिक्स बाय ट्वेल्व पहले इस तरह से दिखा होगा फिर क्या होगा रुपीज वन लैख इनटू जीरो पॉइंट जीरो फाइव दस परसेंट है छः महीने का सॉरी साल भर का तो छः महीने का पांच परसेंट और उसके बाद क्या लिखा जाएगा रुपीजन लाइन इन टू अब इसका वैल्यू निकाल लेते हैं पॉइंट जीरो फाइव डिवाइडेड बाय फोर जीरो नाइन सिक्स प्लस वन एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह वन पॉइंट जीरो 513. एक लाख इंटू वन पॉइंट जीरो फाइव वन थ्री तो आंसर आ गया रुपीस वन जीरो फाइव वन थ्री जीरो ठीक है ओके सर बात समझ में आती है क्या हाँ सर बात समझ में आ जाती है सर और एक एग्जाम्पल लेते हैं उससे कुछ और सी चीजें समझेगी यस और एक एग्जाम्पल लेते हैं एग्जाम्पल फ्यूचर वैल्यू आफ्टर थ्री मंथस रुपीज फोर्टी फाइव थाउजेंड ठीक है ओके सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई भी एक रेट ले लेते सर रेट कौन सा लेते हैं इस बार इस बार पंद्रह परसेंट लेते पंद्रह परसेंट ठीक है चलेगा पंद्रह परसेंट का तीन महीने का कितना होता है 3.75 अभी बारह ही पर्सेंट लेते फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए बारह पर्सेंट पर है ना कंपाउंडेड कंटिन्यूसली और आपको क्या चाहिए प्रेजेंट वैल्यू क्वेश्चन बेटे इस बार प्रेजेंट वैल्यू निकालना तो सुनो मेरी बात को ठीक से प्रेजेंट वैल्यू हमको निकालना आता हम अच्छे से जानते हैं एक तो ये तरीका हो गया क्या हो गया फोर्टी फाइव थाउजेंड ई जीरो पॉइंट नहीं ये तो फ्यूचर वैल्यू निकलेगा हाँ हमें इनटू नहीं करना पड़ेगा इस बार इस बार क्या करना पड़ेगा डिवाइड ई जीरो पॉइंट इन टू थ्री बाई ट्वेल्व इसको कैसे लिख सकते हैं फोर्टी फाइव थाउजेंड डिवाइडेड बाय ई जीरो पॉइंट जीरो थ्री ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर आगे बढ़ते हैं फोर्टी फाइव थाउजेंट इसका वैल्यू निकाल सकते कैलकुलेटर से यस पॉइंट जीरो थ्री डिवाइडेड बाय फोर जीरो नाइन सिक्स प्लस वन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तो यह वन पॉइंट जीरो थ्री जीरो फोर फाइव आंसर देख लेते वन पॉइंट जीरो थ्री जीरो फोर फाइव तो ये आगे बेटी फोर थ्री फोर थ्री अब सुनो कभी कभी इंफॉर्मेशन कुछ और ही होती है तो उसके हिसाब से देखो इसका जैसे एक बात मैं आपको बता रहा हूं दस परसेंट फैक्टर दस परसेंट तो हम दस परसेंट से प्रेजेंट वैल्यू ऐसे निकालते थे 45 डिवाइडेड बाय 1.10 या तो ऐसे निकालते थे 45,000 इनटू 0.909 ये भी प्रेजेंट वैल्यू है ये भी प्रेजेंट वैल्यू है बस यहाँ फैक्टर यूज किया और ये फैक्टर 9091 आया कैसे 1 डिवाइडेड बाय 1.10 करके ये आ गया एक ही तो बात है तो यहां भी एक ऐसा तरीका और ये तरीका क्या है सुनोगे ये क्यों सिखा रहा हूं क्योंकि मुझे काम आने वाला है तरीका क्या है मेथड क्या है सर ये सिखाओगे यस और वही सिखाने वाला हूँ अब सुनो और एक तरीका हम प्रेजेंट वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं फोर्टी फाइव थाउजेंड इंटू ई लेकिन इस बार माइनस डिवाइड ना करके आप क्या करें मल्टीप्लाई मतलब यहाँ प्रेजेंट वाली फैक्टर यूज करना पड़ेगा माइनस जीरो पॉइंट वन टू इंटू थ्री बाई टूल इस तरह से लिखा जाता है मतलब सर ये हो गया फोर्टी फाइव थाउजेंड इंटू ई माइनस जीरो पॉइंट जीरो थ्री बिल्कुल सही तो सर फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटे इसको कुछ सॉल्व करना ही नहीं है ये सिंबल ई e का हटा दो आपको इसको क्या ये जो फैक्टर निकला ना इसको वन से डिवाइड करना पड़ेगा मतलब सीधा सीधा मैं वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट जीरो थ्री जीरो फोर फाइव करूँगा तो वही आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट जीरो थ्री फोर जीरो सॉरी वन डिवाइडेड वन पॉइंट जीरो थ्री जीरो फोर फाइव तो ये आ गया जीरो पॉइंट नाइन सेवन ज़ीरो फोर फाइनल आंसर देख लो फोर्टी फाइव थाउजेंड इंटू पॉइंट ज़ीरो नाइन सेवन जीरो फोर आंसर कितना आ गया फोर थ्री सिक्स सिक्स फोर्टी फाइव थाउजेंड इंटू गलत हो गया क्या वन डिवाइडेड बाय वन पॉइंट ज़ीरो थ्री ज़ीरो फोर फाइव पॉइंट नाइन सॉरी 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 ये जीरो नहीं है इन सेवन जीरो फोर 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 नाइन ऐसे लेते हैं तो फोर्टी फाइव थाउजेंड इंटू पॉइंट नाइन सेवन जीरो फोर फोर नाइन आंसर आ गया रुपीज फोर थ्री सिक्स सेवन जीरो मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूं क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा डेरिवेटिव वगैरह में और क्वेश्चन से देखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि साहब बात तो एक ही है यहाँ डिवाइड हो रहा है यहां मल्टीप्लाई हो रहा है यहां जैसे प्रेजेंटेली फैक्टर निकालते थे यहाँ डिवाइड होता था या तो 1.10 से डिवाइड कर दो या तो 0.9091 से मल्टीप्लाई कर दो वही काम यहाँ भी हो रहा है या तो फैक्टर लो या तो सीधा रेट ले लो बस यहाँ क्या है डिवाइड होता तो आप सीधा लिखते लेकिन मल्टीप्लाई करना प्रेजेंट तो यहाँ माइनस का साइन होता है हालांकि इसकी भी टेबल है सर एक बार टेबल दिखाओगे क्या चलो आओ टेबल भी देख लो जो हो जाए जितनी भी प्रॉब्लम हो वो यहां आ जाए तो ज्यादा अच्छा सारी चीजें हम यहीं देख लेंगे ये वही वाली टेबल है जो आपकी बुक में लास्ट टेबल होगी अगर मैं यहां बात करूं तो ये देखो मैंने कहा ना ये वाला पार्ट आपके काम का नहीं है ये वाला पार्ट आपके काम का नहीं है सिर्फ आपके काम का यहां से है और यहाँ से देखो तो मैं कौन से परसेंट पे देख रहा था मैं देख रहा था सर आप देख रहे थे थ्री परसेंट पर तो ये थ्री परसेंट का वैल्यू ये है वन पॉइंट ज़ीरो थ्री ज़ीरो फाइव मेरा कितना आया था भाई थ्री जीरो फोर फाइव लिए उन्होंने राउंड ऑफ कर रखा तीन डिजिट तक दूसरा या तो आप फैक्टर देख लेते प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये है पॉइंट नाइन सेवन जीरो फोर फ़ाइव राउंड ऑफ कर रखा है पॉइंट नाइन सेवन जीरो फोर फाइव ले रखा मैंने फोर फोर नाइन ले रखा दोनों बात समझ में आ रही ये कौन सा फैक्टर अगर मैं सीधी है तो ये कौन सा फैक्टर ये फ्यूचर वैल्यू फैक्टर और ये कौन सा है ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ठीक है ठीक है सर बात समझ में आ गई हमारे गुड तो ये था कंटिन्यूसली कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग खत्म नहीं हुआ ये था कंटिन्यूसली कंपाउंड ठीक है जी अब हम लोग आगे चल रहे हैं अब थोड़ा सा आगे बढ़ते कंटिन्यूअसली कंपाउंडिंग पे तो मेहनत हो गई अब कुछ और मेहनत करनी है। अब मेहनत क्या करनी है समझना ठीक से समझना मैं क्या बोल रहा हूं एग्जाम रुपीज ठीक है मतलब तो आज जमा करना है एक लाख रुपए बैंक ए दे रहा है सर ये अभी किया था ना एग्जांपल यार ट्वेल्व परसेंट पर है ना कंपाउंडेड सेमी एनली और बैंक भी देता है ट्वेल्व परसेंट पर एन एम कंपाउंडेड क्वाटरली क्याकुलेट annual rate R. compounded. सर ये क्या चीज है बस ये आखिरी बात है कॉन्सेप्ट ऑफ कंपाउंडिंग में समझाने के लिए बाकी सब कुछ खत्म हो गया बैंक बी बैंक ए के पास गए हम और हमने कहा बैंक ए आप कितना दोगे तो बैंक ए ने कहा हम देंगे बारह परसेंट पर एन कंपाउंडेड सेमी एनुअली मेरा क्वेश्चन है क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक साल बाद कितना पैसा हो जाएगा सर बड़ा सिंपल है अगर हम कहते हैं अगले पेज में ले जाऊं क्या यस अगर हम बैंक ए की बात करते हैं अगर बैंक ए की बात करते हैं तो हम कितना पैसा जमा कर रहे हैं एक लाख कंपाउंडेड हापियरली और पावर टू ऐसे ही करते थे यस वन पॉइंट जीरो सिक्स इंटू इक्वल टू इंटू एक लाख सर हम कमा रहे हैं हमें मिलेगा एक लाख बारह हजार तीन सौ साठ यस इट मींस लगाया कितना एक लाख मिला कितना एक लाख बारह हजार तीन सौ साठ क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है आपने बारह परसेंट कमाया कि उससे ज्यादा कमाया उससे ज्यादा अगर इफेक्टिव की बात करूं तो इफेक्टिव मैंने बारह परसेंट से ज्यादा कमाया देखने में क्या लगता है देखने में लगता है बारह परसेंट लेकिन सच्चाई यह है इसकी वजह से जो मेरी इफेक्टिव कमाई है वो बारह परसेंट नहीं बारह परसेंट से ज्यादा है कितना परसेंटेज है अगर देखा जाओ तो इसको ऐसे कर लेते हैं इफेक्टिव एनुअल रेट ई ए आर हमने कमाया है बारह हजार तीन सौ साठ दिख रहा है बारह हजार तीन सौ साठ कैसे आया हाँ सर बारह हजार तीन सौ साठ एक लाख बारह हजार तीन सौ साठ में से एक लाख हटा दिया तो हमने जो कमाया वो तो बारह हजार तीन सौ साठ वो किस पे कमाया सर हमने कमाया एक लाख पे इन टू हंड्रेड तो इसको बोलते हैं हमारी जो कमाई है एक्चुअल में वो है ट्वेल्व पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट ट्वेल्व पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट पर एनआम यह है मेरी इफेक्टिव कमाई अच्छा इसको दो नाम देते हैं इसी के दो नाम है एक तो इसका नाम है इफेक्टिव एनुअल रेट या इसी को क्या बोल सकते हो आप इसको बोलते हो कंपाउंडेड एनुअल इसका मतलब क्या हुआ सर इसका मतलब यह हुआ कि बैंक ए मुझे तीन लैंग्वेज यूज करेगी तो मतलब एक ही है सुना ध्यान से मतलब एक ही है मतलब क्या अगर बैंक ए बोले हम दे रहा है आपको ट्वेल्व परसेंट पर एन एम कंपाउंडेड सेमी एन एम हमने कहा ठीक है या तो बैंक ए ये बोल सकती है हम आपको देंगे ट्वेल्व पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट इफेक्टिव तो भी वही बात आंसर उतना ही आएगा या तो बैंक ए बोलेगी हम देंगे आपको 12.36 परसेंट कंपाउंडेड एनुअली तो भी वही बात है एक ही बात है आप तीन तरीके से बोलो हमें मिलेगा उतना चाहे हम जितना भी जमा करो मेरी बात समझने की कोशिश करना बैंक ये तीन तरीके से बोल सकती है पर आप कितने भी महीने के लिए जमा करो मिलेगा उतना अभी बोलने से क्या होगा बोलने से कमाई कम, कम ज्यादा नहीं होगी मीनिंग एक ही है अच्छा हालांकि इफेक्टिव एनुअल रेट हम बिना अमाउंट लिए भी निकाल सकते हम ऐसे निकालते इफेक्ट एनुअल रेट 1.06 पावर टू अगर पावर टू किया तो आंसर आ गया 1.1236 पॉइंट वन टू थ्री सिक्स देट इज माइनस वन तो ऑटोमेटिक हो जाएगा 12.36 पॉइंट पर सीधा सीधा भी निकाल सकते थे ठीक है जी ओके okay, सर अगर मैं बोलू यहां बात किसी करूं मैं बात करूं बैंक बी अगर बैंक बी के साथ क्या लिखा हुआ बैंक बी का चीखो ट्वेल्व परसेंट पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली आपको क्या निकालना इफेक्टिव तो इफेक्टिव में शॉर्टकट वाले तरीके से भी निकाल सकता हूँ कैसे निकाल सकता हूँ क्या लिखा है कंपाउंडेड क्वार्टरली तो सर मैं सीधा ऐसे निकालता इफेक्टिव एनुअल रेट पावर फोर तो बोलो कितना आएगा 1.03 पॉइंट जीरो थ्री इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू ये आ गया ट्वेल्व पॉइंट फाइव फाइव परसेंट ये सीधा सीधा निकाल लिया आपने इफेक्टिव एनुअल रेट नहीं बनाना है ठीक है यह है सीधा सीधा इफेक्टिव एनुअल रेट आपने निकाल लिया हालांकि जो है इसको आप एक्चुअल में कैसे निकालते है? सर एक्चुअल में हम ऐसे निकालते कि हमारी कमाई कितनी हो रही है हमारी कमाई हो रही है वन लैख वन पॉइंट जीरो थ्री पावर फोर तो कितना आएगा वन पॉइंट जीरो थ्री इंटू इक्वल टू इंटू इक्वल टू इंटू एक लाख तो ये आ गया रुपीस एक लाख बारह हजार पाँच सौ पचास तो अब बात करते इफेक्टिव एनुअल रेट कमाई कितने की हो रही है बारह हजार पांच सौ पचास डिवाइडेड बाय एक लाख लगाकर इंटू हंड्रेड तो आंसर कितना आ जाएगा 12.55 परसेंट ये क्या निकला ये इफेक्टिव एनुअल रेट निकला या इसको आप कंपाउंडेड कंपाउंडेड क्या बोलोगे इसको इसको हम बोल सकते हैं कंपाउंडेड एनुअली ठीक है ठीक है सर तैयार हैं हम लोग मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर बैंक ए बोले आपको मिलेगा 12 परसेंट पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली ठीक है या बोले आपको मिलेगा 12.36 परसेंट कंपाउंडेड एनुअली या इफेक्टिव क्या एक ही बात हुई हाँ बिल्कुल क्या आप तैयार हो किसी एक काम के लिए yes, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूं अब सुनना ध्यान अब समझने की कोशिश करना बहुत बहुत काम आने वाला है अगर आपको जमा करना है एक लाख रुपए और आपके पास है दो बैंक ये बैंक और ये बैंक दो बैंक है सर एक लाख रुपए जमा करना है और दो बैंक है आपके पास अच्छा सर इस बैंक का नाम क्या है इस बैंक का नाम है ए इस बैंक का नाम है और ये बैंक आप कह रहे हैं कि हम आपको देंगे ट्वेल्व परसेंट पर एन कंपाउंडेड सेमी एनुअल और ये बैंक दे रही है कितना निकला था इफेक्टिव ट्वेल्व पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट ट्वेल्व पॉइंट थ्री सिक्स परसेंट पर एन कंपाउंडेड एनुअली और इफेक्टिव एनुअल रेट अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ एक साल बाद कितना मिलेगा तो चाहे आप इस बैंक में पैसे जमा करो चाहे इस बैंक में क्या आंसर एक ही आएगा यस इट मींस अगर मैं आपसे बोलूं एक साल बाद कितना मिलेगा फॉवनिया अगर एक साल के लिए जमा कर रहा हो तो एक लाख वन पॉइंट जीरो सिक्स पावर क्या हो जाएगा टू सर एक लाख बारह हजार तीन सौ साठ इधर की बात करो तो इधर भी कितना जाएगा एक लाख पर यहाँ सीधा क्या करेंगे वन पॉइंट वन टू थ्री सिक्स क्योंकि इफेक्टिव तो यहाँ भी आ जाएगा एक लाख बारह हजार तीन सौ साठ सर आप कहना क्या चाहते हो बेटे अब मैं कि, जो कहना चाहता हूँ अब समझना अगर छः महीने के लिए ही जमा कर रहा है छः महीने के लिए ही तो बारह परसेंट है मैं कह रहा हूं बारह परसेंट पर एनम कंपाउंडेड कंपाउंडेड्स है मैनुअली मैंने कहा छः महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे फिर उस उसमें छः महीने का भाई अगले छः महीने मुझको पहुंचना नहीं है मुझे सिर्फ छः महीने के लिए ही जमा करना है तो बताओ कितना आएगा सर छः हज़ार एक लाख छः हज़ार ना सर क्यों टाइम पास कर रहे हैं इट मीन्स यहाँ जाएगा एक लाख और यहाँ जाएगा वन पॉइंट ज़ीरो सिक्स तो आंसर कितना जाएगा एक लाख छः हज़ार और यहां भी आंसर कितना आएगा सर एक लाख छह हजार ही आएगा बेटे बैंक तो दोनों में एक जैसा ही है बस नाम अलग है और यहां अलग है। बाकी आंसर जो पैसा जमा करेंगे मिलेगा तो एक जैसा ही क्योंकि इसी बैंक के रेट को हमने कन्वर्ट करके ये वाला रेट बना दिया ठीक अब सवाल यह है अब 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 बच्चे फंसते हैं अब बच्चे क्या करते हैं कि यार जैसे यहां बारह महीने का बारह परसेंट तो छः महीने का छः परसेंट तो सर इसको भी ऐसे कर लेते हैं यहां कैसे किया था छः कैसे निकाला था सर ट्वेल्व इंटू सिक्स बाय ट्वेल्व इज इक्वल टू सिक्स आ गया था तो सर यहाँ भी ऐसे कर लेते ट्वेल्व पॉइंट थ्री सिक्स इंटू सिक्स बाय ट्वेल्व तो सर कितना आएगा सर ये आ गया सिक्स पॉइंट वन एट परसेंट जो कि पूरी तरह से गलत है गलत है आंसर कितना आना चाहिए आंसर छह परसेंट ही आना चाहिए क्योंकि आपको इधर छह महीने में ज्यादा थोड़ी नहीं मिल जाएगा अल्टीमेटली तो एक ही बात है ना हाँ सर, अब कैसे करेंगे बेटे करना तो आपको मल्टीप्लाई 1.06 से ही है पर ये 1.06 आएगा कैसे सुनो ध्यान से छ महीने का निकालना इसमें आपको पावर वाला फ्लेवर देना पड़ेगा सुनो ये 12.3 पॉइंट पावर टू किया तो ये आया अगर इसको स्क्वायर रूट कर दोगे या इसको वन बाई टू कर दोगे तो ऑटोमेटिक किया जाएगा बेटी इस पर फोकस करो ना इस पर फोकस करो जब आपने इसको इफेक्टिव बनाया तो इसी को क्या छह महीने का बना सकते हो हाँ और कैसे बनेगा बड़ा सिंपल है फोकस करना सिंपल कैसे सिंपल ऐसे वन पॉइंट वन टू थ्री सिक्स पावर क्या कर सकते हो वन बाय फोर नहीं वन बाय टू तो क्या आंसर 1.06 पॉइंट जीरो आ जाएगा हां बेटे हां मैं यही तो कह रहा हूं सर इसका मतलब सर पावर 1 बाई टू ना करके या हम 6 बाय ट्वेल्व करेंगे तो अल्टीमेटली 1 बाई टू ही तो है अच्छा कसम खाओ कसम जब भी कसम क्या रहेगी जब भी अगर रेट कंपाउंडेड एनुअली दिया है या फिर इफेक्टिव दिया है तो आपको पावर वाला फ्लेवर यूज करना पड़ेगा इटमींस अब यहां क्या होगा अब यहां ये यह होगा एक लाख इन 1.1236 वन पॉइंट वन टू थ्री सिक्स क्योंकि छह महीने का निकालना है यहां सिक्स बाय ट्वेल्व कर दोगे। सिक्स बाय ट्वेल्व का मतलब वन बाय टू तो सॉल्व करते इसको एक लाख एक बार स्क्वायर रूट करो एक बार स्क्वायर रूट किया तो 1.06 आ तो, तो साहब एक लाख छ हजार ही आना चाहिए एक लाख छ हजार और एक लाख छह हजार ही आना चाहिए ठीक है सर कसम याद दिलाओ क्या ये कर सकते ये नहीं कर सकते तो यहां सर कसम लिख लेते हैं क्या यस कसम लिखो बेटे कसम कसम क्या कसम खा रहा है जब भी कंपाउंडेड एनुअली या इफेक्टिव एनुअल रेट दिया होगा हमें पावर यूज करना है भगवान करे आपको याद रहे ऐसी मेरी प्रार्थना है सर लेकिन ना अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सर टाइम हो गया है ना क्लास का हो गया है बंद कर दो कोई दिक्कत नहीं है ना बंद कर दो जिन बच्चों को ऐसा लगता है सर एक घंटे की क्लास है हम कभी कभी ऐसा है कि एक घंटा पैंतालीस मिनट भी हो जाता है हो जाता है क्योंकि बेटे मुझे वो कॉन्सेप्ट कवर करवाना उस क्लास में पर जिनको ऐसा लगता है कि यार थक गए बंद कर दीजिए क्लास यहीं बंद कर दीजिए थोड़ा ब्रेक ले लीजिए या फिर जाइए ऑफिस चले जाइए वापस आइए शाम को इसी टाइम से स्टार्ट कर देना आपको अगली क्लास कितने घंटे की है तो पता ही लग जाता होगा यस तो उससे पहले उससे पहले ही आप डिसाइड कर लो कि हमको क्लास के लिए एक घंटा पैंतालीस मिनट है तो हमें एक घंटे की क्लास देखना है ये आपको पहले ही सेट करना पड़ेगा क्लास कुछ क्लासेस थोड़ा सा ज़्यादा समय के लिए चली जाएगी क्योंकि इसमें मेरा फ्लो बना हुआ है वो टूट जाएगा अगर मैं यहाँ बंद कर दूँगा क्लास तो ठीक है सर सर तो कितने मिनट की क्लास बच्ची है देख लो ना यार टाइम तो है आपके पास ओके सर यही तो अच्छा है इसमें और एक एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल अब वाला एग्जाम्पल बिल्कुल काम का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट अमाउंट रुपीज वन लैख ठीक है ओके सर इन्वेस्टमेंट करना है एक लाख रुपए फॉर सिक्स मंथ रेट्स अब रेट्स तीन तरीके से दिया रह सकता है फर्स्ट चार तरीके लिख देता हूँ फर्स्ट ट्वेल्व परसेंट पर है ना सर ट्वेल्व परसेंट ट्वेल्व परसेंट बहुत हो गया कोई दूसरा रेट लिखोगे तो मजा आएगा चलो भाई ट्वेंटी परसेंट लिखते हैं ठीक है जी ट्वेंटी परसेंट पर एन कंपाउंडेट से ठीक है या तो लिखा रह सकता है ट्वेंटी परसेंट पर एन उाउंडेड एनुअली इसी को हम बोलते इफेक्टिव रेट कंपाउंडेड एनुअली को ही बोला जाता है इफेक्टिव एनुअल रेट या तो लिखा रह सकता है ट्वेंटी परसेंट पर एन कंपाउंडेड कंटिन्यूसली या तो लिखा रह सकता है ट्वेंटी परसेंट पर एनम बस बात करता सबसे ज्यादा क्या लिखा रह सकता है कुछ भी लिखा रह सकता सबसे ज्यादा जो होगा वो लिखा रहेगा ट्वेंटी परसेंट पर एनम बस और कुछ नहीं अब मुझे कब छह महीने बाद कितना पैसा मिलेगा ये निकालना पहली सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन है फर्स्ट और फर्स्ट का आंसर होगा वन लैख बारह परसेंट कंपाउंडेड सेमी एनुअली तो छह महीने का कितना दस परसेंट तो वन पॉइंट वन जीरो पावर वन पावर टू भी होता अगर एक साल का निकालना होता तो यहां कितना जाएगा रुपीजन टेन थाउजेंड कोई दिक्कत की बात नहीं सबसे ज्यादा टेंशन है वो इसमें ये सबसे ज्यादा मुश्किल काम है अगर लिखा है कंपाउंडेड एनुअली अगर लिखा है साहब कंपाउंडेड एनुअली इसी पे मैं फोकस करवाऊंगा आगे अगर लिखा है कंपाउंडेड एनुअली तो क्या आपको पावर यूज करना पड़ेगा यस इट मीन वन लाख पॉइंट टू जीरो पावर छ महीने का सिक्स बाई टन बाई टू तो फिर एक लाख 1.20 पावर 1 बाय टू और 1 बाय टू का मतलब कितने बार स्क्वायर रूट एक बार 1 पर रूट एक पर. तो, यहां के 1 तो, एक 1 तो यहां के रुपीज वन जीरो कसम याद है ना जब भी कंपाउंडेड एनुअली शब्द आएगा हम पावर ही यूज करेंगे तीसरा क्या है सर थर्ड थर्ड है कंपाउंडेड कंटिन्यूसली तो ये तो कुछ है नहीं ये तो हम सीख चुके हैं एक लाख इंटू ई जीरो पॉइंट टू जीरो यहाँ पावर नहीं यहाँ मल्टीप्लाई होगा सिक्स बाय ट्वेल्व ये पावर में होगा ही सबके सब पावर में होगा ठीक है तो एक लाख इंटू ई जीरो पॉइंट वन जीरो तो एक लाख इंटू पॉइंट वन डिवाइडेड बाई फोर जीरो नाइन सिक्स प्लस वन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस वन पॉइंट जीरो टू फाइव थ्री इतना सा कैसे आ गया पॉइंट वन डिवाइडेड बाई फोर जीरो नाइन सिक्स प्लस वन एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह अब ठीक है वन पॉइंट वन ज़ीरो फाइव टू तो वन पॉइंट वन जीरो फाइव टू इंटू एक लाख तो ये आ गया एक लाख दस हजार पांच सौ बीस ठीक है मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है इसी, इसी में प्रॉब्लम है इसमें बस पावर का फ्लेवर आपको यूज करना पड़ेगा और सर ट्वेंटी परसेंट पारे लिखा है तो फिर कैसे करेंगे ये बता दो ऐसे करेंगे कि ऐसे करेंगे कि ऐसे करेंगे कैसे भी कर सकते सबसे इजी क्या लग रहा सर सबसे ईजी तो यह हुआ ट्वेंटी परसेंट पर है ना मैं साल भर का तो छह महीने का दस परसेंट खत्म करो ना सर इट मीन्स हम ये मान के चलेंगे कंपाउंडेड सेमी एनबली सर यह फिर और टेक्निकल सब टेक्निकल मतलब भाई सीधा बोलो ट्वेंटी परसेंट बारह महीने का तो छह महीने का दस परसेंट खत्म इट मीन्स इसको नॉर्मल मानना है इसको मैं नॉर्मल नॉर्मल मतलब पहले वाले जैसा एक लाख इंटू वन पॉइंट वन जीरो सीधा कितना आ जाएगा एक लाख ठीक हो गया हो गया सर अब देखना है आपको कि चारों में से क्या दिया है एग्जाम्पल मैं जो अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस करवा देता हूं एक दो एग्जाम्पल और वो इस पे करवा देता हूं कंपाउंडेड इफेक्ट ठीक एग्जाम्पल ज्यादा जल्दी प्रेजेंट वैल्यू थर्टी फाइव थाउजेंड रेट पंद्रह परसेंट पर एन कंपाउंड रेट वाले मुझे चाहिए अमाउंट रिसीव आफ्टर थ्री मंथस कैसे करोगे इसको सिंपल थर्टी फाइव थाउजेंड इन टू वन पॉइंट वन फाइव क्या कंपाउंडेड एनवली लिखा है मतलब पावर वाला फ्लेवर मतलब थ्री बाय ट्वेल्व ठीक है थर्टी फाइव थाउजेंड वन वन पॉइंट फाइव मतलब वन बाय फोर मतलब दो बार स्क्वायर उठ यस थर्टी फाइव थाउजेंड इन टू वन पॉइंट वन फाइव एक बार दो बार ठीक है वन पॉइंट जीरो थ्री फाइव फाइव तो थर्टी फाइव थाउजेंड इंटू वन पॉइंट जीरो थ्री फाइव फाइव तो आंसर आ गया रुपीस थ्री सिक्स टू फोर टू अब बच्चों के मन में सवाल और सवाल क्या है? सर सात महीने होते तो क्या होता बस जैसे ही आ गया ना पावर गंदा दिखने लगेगा ना तो मतलब डर्टी पावर सर so, सात महीने वाला करते हैं चलो आ जाओ सात महीने वाला करेंगे सर पाँच महीने में क्या देख कोई भी कर लो ना भाई क्या फ़र्क पड़ रहा है प्रेजेंट वैल्यू ट्वेंटी थाउजेंड इफेक्टिव बोलूँ ना इस बार सर इफेक्टिव एनुअल रेट हाँ सर ये अच्छा लग रहा है छोटे में काम हो जाता सर इस बार बारह परसेंट बारह नहीं सर थर्टीन परसेंट लेते थर्टीन परसेंट पर एन ठीक है और सर अब लिखते अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेवन मंथ ये लो ख़ुश सेवन मंथ अब कर लो सर है हिम्मत तो चलो कर लेते हैं कोई दिक्कत थोड़ी नहीं क्या निकाल रहे हैं हम लोग फ्यूचर वैल्यू ट्वेंटी थाउजेंड इंटू वन पॉइंट वन थ्री सेवन बाई ट्वेल्व ठीक है आप बोलो करोगे कैसे ट्वेंटी क्या क्या पावर यूज कर सकता हूँ यस और डर्टी पावर तो यूज कर ही सकते हैं उसमें उसको तो कोई रोक नहीं सकता कैसे यूज करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे कितने बार बारह बार एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह फिर माइनस वन फिर नीचे वाले से डिवाइड डिवाइडेड बाय ट्वेल्व इंटू सेवन और ऊपर वाले से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय ट्वेल्व इंटू सेवन फिर प्लस वन प्लस वन और फिर इंटू इक्वल टू 12 बार एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ बारह फिर इंटू इक्वल टू बार बार आंसर तो कितना आ गया सर आंसर आ गया वन पॉइंट जीरो सेवन थ्री नाइन ले ले बहुत ज्यादा मुश्किल थोड़ी ना बिट वन पॉइंट जीरो सेवन थ्री नाइन आंसर आ गया टू वन फोर सेवन एट क्या बात समझ में आई हाँ सर बात समझ में आ गई इस तरह से किया जा सकता है फिर तो कितने भी मंथ हो इलेवन मंथ हो तो इलेवंथ का भी निकाल सकते सर बस एक क्वेश्चन लास्ट आप देखो आपका दिमाग जितना बुरा से बुरा होगा ना वो बुरा से बुरा सोचने को तैयार है और सुनो बुरा से बुरा करके बताता हूं मैं आपको सर देखो देखो सर एग्जाम्पल अगर सर प्रेजेंट वैल्यू है मान लो दस हजार रुपए ठीक है सर ओके और सर रेट है मान लो रेट है ट्वेल्व परसेंट पर एन और ऐसा लिखा है कंपाउंडेड क्वार्टरली ठीक और सर पूछ लिया मान लो फ्यूचर वैल्यू फॉर नाइन्थ मंथ का फ्यूचर वैल्यू पूछा तब कैसे करोगे सर सर इसमें सोचने वाली क्या बात है सीधा क्या करेंगे दस हज़ार बारह परसेंट तो तीन महीने का तीन परसेंट वन पॉइंट जीरो थ्री और तीन ही बार कंपाउंडिंग करना है तीन महीने फिर तीन महीने फिर तीन महीने खत्म तो आंसर कितना आ जाएगा आंसर निकाल लो सीधा वन पॉइंट जीरो थ्री इंटू इक्वल टू इक्वल टू इंटू दस हज़ार तो आंसर आ जाएगा रुपीज वन जीरो नाइन टू सेवन सर नाइन मंथ नहीं यहाँ टेन मंथ होता तो फिर कैसे करते और बुरा बुरा बोलो सर अगर ग्यारह महीने होता तो फिर ऐसे ही क्वेश्चन होता मान लो ग्यारह महीने होता तो बिट्टे मैं आपसे बोल रहा हूँ नाइन मंथ ही रहने दो और एक तरीका तरीका सुनो मैं इस रेट को कंपाउंडेड एनुअली बना लेता हूँ इसका मतलब क्या कहना चाहते हो मैं आपसे बोल रहा हूँ ट्वेल्व को क्या कंपाउंडेड एनुअली बना सकते हो यस yes. कैसे बनाएंगे इस रेट को कंपाउंडेड एनुअली इस रेट को मैं इफेक्टिव एनुअल रेट बनाने की कोशिश करूंगा इफेक्टिव एनुअल रेट बनेगा क्यों लिया कंपाउंडेड क्वार्टर लिया पावर क्या कर दिया फोर ठीक है तो ये आ गया वन पॉइंट वन टू कितना आएगा वन पॉइंट वन टू फाइव फाइव रेट कौन सा हो गया इसको बोलते इफेक्टिव एनुअल रेट अगर ये इफेक्टिव है फिर तो कितने मंथ का भी पूछे फिर मैं कैसे करूँगा दस हजार इंटू वन पॉइंट वन टू फाइव फाइव अब एक बार इफेक्टिव बन गया ना फिर तो कितने नाइन मंथ टेन मंथ कुछ भी सीधा यहाँ क्या कर दूंगा नाइन बाय ट्वेल्व खत्म और इसके बाद तो डटी पावर आता ही हमको दस हजार इंटू नाइन बाई ट्वेल्व को कैसे सॉल्व करोगे वन पॉइंट वन टू फाइव फाइव तो पता है आपको वन पॉइंट वन टू फाइव फाइव इसको अरूट कितने बार बारा बार एक दो तीन चार माइनस वन ठीक है डिवाइडेड बाय ट्वेल्व इंटू नाइन प्लस वन एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह वन पॉइंट जीरो नाइन टू सेवन तो ये आ जाएगा वन जीरो नाइन टू सेवन क्या मैं क्या कहना चाहता हूँ काश आपको बात समझ में आ गई तो मेरा टेंशन ख़त्म मैं ये कहना चाहता हूँ सर चाहे सिचुएशन जो भी हो चाहे कंपाउंडेड सेमी एनुअवली हो अगर कंपाउंडेड सैनवली और नाइन मंथ का पूछ रहा है तो मैं कुछ नहीं करूँगा जो कंपाउंडेड सेमी एनुअली है उसको मैं इफेक्टिव बना लूँगा फिर वो नाइन मंथ का पूछे टेन मंथ का पूछे एलेवन मंथ का पूछे फिर इस फॉर्मल से करूँगा इट मीन्स अगर ऐसी इतनी बुरी सिचुएशन आई नहीं है सिर्फ में आज तक पर आ गई तो क्योंकि कुछ भी हो सकता है इस बार का पेपर देख रहा हूँ कुछ भी हो सकता है वो कुछ भी के लिए मैं यहाँ तैयार कर रहा हूँ ठीक अगर सर अगर मान लो यही सिचुएशन होती और वो दस महीने का पूछता तो फिर कैसे करते मैं डायरेक्ट नहीं करता इसको पहले कंपाउंडेड एनुअली में कन्वर्ट कर देता फिर टेन बाई ट्वेल्व करके निकल लेता कर रहे क्लास सीखने वाली बात क्या थी इसमें सीखने वाली बस बात इतनी थी ये वाला एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है अगर क्वेश्चन ऐसे, तो ऐसे, तो ऐसे, तो ऐसे आएगा तो ऐसे आएगा तो ऐसे आएगा तो ऐसे आएगा तो करना कैसे ये चारों सिचुएशन मैंने आपको बता दिया स्पेशल फोकस जो रखोगे वो रखोगे अगर शब्द आएगा कंपाउंडेड एनुअली तो आपको पावर वाला फ्लेवर यूज करना है ठीक है अब आप एक्सपर्ट हो चुके हो बेसिक में प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू सबका आइडिया हो चुका है सेंसेक्स निफ्टी बीटा वीटा स्टैंडर्डाइशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हाँ सर एक बार रिवाइज़ करोगे और उसके बाद सीधा क्लास स्टार्ट भगवान का नाम लेना और डेरिवेटिव स्टार्ट करना डेरिवेटिव क्यों उठाया हो मैं आपको पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ क्योंकि इससे बाकी क्लासेस के बच्चे बाकी लोग मुश्किल चैप्टर मानते हैं और हमारे लिए सबसे ईजी चैप्टर हम बनाने जा रहे हैं ठीक है तो अगली क्लास में मिलते हैं बाय बाय थैंक यू थैंक यू सो मच